Finally here on YouTube after 3 weeks. 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाली थी जाकिर नगर फूड वॉक के बारे में, जिसमें काफी अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का और काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट, उस पर भी कुछ लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इतनी ज्यादा लेट वीडियोज क्यों आ रही है। सो बेसिकली मैं ट्रैवल कर रही थी, आई ट्रैवल टू प्लेसेज लाइक जिम कॉर्बेट एंड आगरा, एंड उनकी वीडियोज भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी। और ट्रैवल करते वक्त मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी तो इतना एक्टिवली मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आई वॉज वेरी वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं अपना चैनल का नेम यहाँ स्क्रीन पर इंक्लूड करूँगी सो दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेकिन फाइनली मैं आ चुकी हूँ ऑन यूट्यूब विद दिस प्लेस कॉल्ड द बर्गर क्लब, और यहाँ पर हम लोग ट्राई करने वाले हैं खूब सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बर्गर्स। सो अगर आपको पसंद है इस तरह की वीडियो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसके साथ साथ लाइक का बटन भी प्रेस कर देना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बर्गर क्लब में ना सिर्फ आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट तरह के नॉन वेजिटेरियंस एंड वेजिटेरियन बर्गर, लेकिन इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा बहुत कुछ लाइक साइड्स, सैलड्स, इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट बेवरेजेस लाइक टी, कॉफ़ी एंड डिफरेंट तरीके के शेक्स विच आर माई फेवरेट। ना यूजुअली आप किसी भी कैफ़े या बर्गर बेस्ड आउटलेट में जाते हो तो वहाँ पर एक सेट मेन्यू होता है जिसमें से आप अपना वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन वैरायटी ऑफ बर्गर चूज़ कर सकते हो, और वो यहाँ पर भी है। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे बहुत ज़्यादा नकचड़े होते हैं जिन्हें सारा का सारा खाना अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही चाहिए होता है, और इसका जुगाड़ ना बर्गर क्लब ने अच्छे से निकाल रखा है, बिकॉज यहाँ पर आकर आप कस्टमाइज़ करा सकते हो अपना बर्गर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज। एंड मेरे एक फॉलोअर ने मुझे बताया था दैट यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज द बर्गर इन 88,000 वेज विच इज़ माइंड ब्लोइंग। नो क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं भी आ गई यहाँ पर अपना बर्गर कस्टमाइज़ कराने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको यही दिखाती हूँ कि यहाँ पर बर्गर कस्टमाइज़ कराया कैसे जाता है। अब बर्गर कस्टमाइज़ कराने का सबसे पहला स्टेप है बन चूज़ करना, और यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है लाइक रेगुलर सेसमे बन या फिर होल व्हीट बन, और बेस्ट पार्ट इज़ कि आप लेटस भी यूज़ कर सकते हो एज अ बन विच इज़ अमेजिंग। अब सेकंड स्टेप है पैटी चूज़ करना, और उसके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं लाइक चिकन, मटन, एग, इसके साथ साथ वेजिटेरियन में भी आपको मिक्स्ड वेज, मशरूम, सोया एक्सेट्रा, ये सब पैटी आप चूज़ कर सकते हो। एंड देन वील प्रोसीड टू चूजिंग आर चीज़, और यहाँ पर चीज़ के भी कुछ 5 से 6 डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू चूज़ योर सॉस, और यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि पूरी 12 तरीके की सॉसेज अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपना बर्गर बनवाने के लिए। और आखिर में हम लोग चूज़ करते हैं अपनी टॉपिंग्स, और यहाँ पर अराउंड 20 to 25 तरीके की टॉपिंग्स अवेलेबल हैं। रेगुलर टॉपिंग्स भी हैं जैसे कि टमाटर और प्याज, और इसके साथ साथ थोड़े डिफरेंट तरीके की टॉपिंग्स भी हैं जैसे ऑलिव्स, हैलापिनोज एट्सेट्रा, जो कि बर्गर में इतना कॉमनली यूज़ नहीं होती। सो अगर मैं टोटली बात करूं तो आपको बिल्ड योर ओन बर्गर में मिल जाएगा एक बन, एक पैटी, एक चीज स्लाइस, एनी सॉर्ट ऑफ सॉस एंड टॉपिंग। और अगर आप कुछ भी एडिशनल ऐड ऑन कराना चाहते हो तो दैट इज़ चार्जेबल। सपोज आपको एक चिकन पैटी ऐड करानी है तो दैट इज़ फॉर 39 रुपीज़। और अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो वेजिटेरियन वन इज़ फॉर 189 रुपीज़, चिकन वन इज़ फॉर 199 रुपीज़ एंड मटन वन इज़ फॉर 299 रुपीज़। ना इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद फाइनली मैं दिखाती हूँ मेरे वाला बर्गर, क्योंकि मेरे साथ 2-3 लोग और थे तो मैंने ये मॉन्स्टर साइज बर्गर बनवाया था जहाँ पर 5 डिफरेंट तरीके की पैटी यूज़ करी गई थी। बेसिकली 3 मटन पैटी थी और 2 चिकन पैटी थी, इसके साथ में 6 चीज स्लाइसेस थी, काफ़ी सारी टॉपिंग, सॉसेज, ये सब कुछ था मेरे वाले बर्गर में। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बर्गर वॉज कि जितने भी पैटी है ना वो फ्रेश पैटी है, यानी कि ये फ्रोजन वाली पैटी नहीं है, ये इन्होंने उसी टाइम खुद बनाई थी। और इसके साथ साथ जितने भी
इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी फ्रेश हैं। इनफैक्ट मुझे इन लोगों ने ये भी बताया कि जो ये बन है ये खुद ही बनाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई फाइनली वॉन्टेड टू ट्राई माई बर्गर। तो चलो चलते हैं टेस्ट करने। सो लास्ट टाइम जब मैंने मॉन्स्टर साइज पिज्जा और मॉन्स्टर साइज बर्गर की वीडियो अपलोड करी थी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स आए थे। तो उन हेट कमेंटर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ, यार जो इंसान खुद मॉन्स्टर साइज होगा वो अगर छोटे मोटे बर्गर से काम चला सकता है, तो हम खाने वाले हैं ये वाला बड़ा सा बर्गर। इसके जो नीचे तीन पैटी है ना वो मटन की है और ऊपर की जो दो पैटी है वो चिकन की है। एंड आई एम बायस टूवर्ड्स मटन, इसलिए मैं नीचे से ये खाऊंगी क्योंकि इतना बड़ा मुंह तो मेरा है नहीं कि मैं पूरा का पूरा बर्गर ट्राई कर लूँ। सो नीचे ट्राई कर लूँ जन्नत के नजारे। जो पैटी है वो काफी ज्यादा जूसी है। इसके साथ साथ इन्होंने इसमें डाले हुए हैं एलापिनोज भी, सबका फ्लेवर एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दिस बर्गर इज अ लिटिल मेसी टू ईट, तो आप देख सकते हो मैंने खुद भी खाया है और मैंने बालों को भी खिलाया है, मुझे साफ करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन इट्स वर्थ इट बिकॉज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली अच्छा है। इसमें मैंने चिकन सलामीज भी डलवाई थी, उससे भी बहुत अच्छा एक सॉफ्टनेस आ रही है बर्गर के अंदर, और जो क्रिस्पनेस है पैटी की और अनियन रिंग्स की उससे भी बहुत अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो जेन्युइनली मुझे तो ये वाला बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आई विल गिव दिस रेटिंग ऑफ 5 out of 5 फॉर बीइंग सो। तो गाइस काफ़ी सारे जो वेजिटेरियन है ना मुझे ये बात बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि भाई तुम नॉन वेजिटेरियन चीज़ें तो बड़े चाव से खा लेती हो लेकिन वेज खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हो। तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ऑर्डर किया है ये डेविल वेज बर्गर, जिसके अंदर ये जो पैटी है, आओ पास आओ ये जो पैटी है ये बेसिकली सोया और वेजिटेबल्स की बनी हुई है। इसके साथ साथ इसमें ये अनियन रिंग्स हैं, टमेटोज हैं, थोड़े से अनियंस हैं और ये गर्किंस हैं, आई गेस यस ये गर्किंस ही हैं। सो लेट्स ट्राई दिस वन कि ये कैसा है। अरे इसमें नाचोस भी हैं, सो लेट्स ट्राई दिस वन और देखते हैं कि ये कैसा है। लेट्स डू इट। आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसको वेजिटेरियन बर्गर उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते एंड आलू टिक्की बर्गर स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका है ना वो इंडियन मार्केट में। आई रियली लाइक दिस बर्गर, खाते हुए आपको कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पैटी के अंदर चंक्स ऑफ कॉर्न या मटर ये भी मिल जाएंगे और सोया का भी इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट है। पैटी बहुत ज़्यादा जूसी है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बर्गर ठंडा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आप यहाँ पर आके कोई बर्गर ट्राई करना चाहते हो तो आप डेविल वेजिटेरियन बर्गर ट्राई कर सकते हो, वरना यहाँ पर ऑप्शन है जहाँ पर आप अपने बर्गर कस्टमाइज भी करा सकते हो। वॉट इज कैफे विदाउट इट्स ड्रिंक्स, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, चाय कॉफी तो है ही है। इसके साथ साथ यहाँ पे शेक भी हैं, तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है एक स्ट्रॉबेरी शेक और इसके साथ साथ यहाँ पे है ओरियो शेक, और प्रेजेंटेशन दोनों की मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन पहले मैं ट्राई कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। सो लेट्स ट्राई। बचपन में जो मम्मा बना कर देती थी ना शेक, एग्जैक्टली वैसा शेक है, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम लोडेड नहीं लगा मुझे। हाँ वैनिला आइसक्रीम ज़रूर है इसमें, अगर मैं टेस्ट करके बता सकती हूँ कि वैनिला आइसक्रीम ज़रूर है, लेकिन उतना ज़्यादा मीठा नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद नहीं आती। दिस हैज़ बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ शुगर एंड दैट इज़ वाई आई लाइक दिस। गुड, अभी हम ट्राई कर रहे हैं ये ओरियो वाला शेक, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, बट ट्राई करते हैं कैसा। ओरियो वाला मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, आई थिंक आई लाइक दिस स्ट्रॉबेरी वन मोर। ये थोड़ा थिन है, मैंने एक्सपेक्ट किया था ओरियो शेक बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और ऑसम होते हैं, वैसा वाला नहीं है, थोड़ा थिन शेक है और चीनी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप पहले ही बोल के भेजना कि भाई चीनी ज़्यादा डालना, बाकी इट इज़ डिसेंट इनफ टू ट्राई। सो गाइज काफ़ी सारे लोग जो है ना वो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि यार आप जब देखो थोड़ा अनहेल्दी ऑप्शंस ट्राई करते हो, आप कुछ हेल्दी नहीं बताते। सो ये है उन हेल्थ फ्रीक्स के लिए जो कि ग्रिल्ड चिकन बर्गर और उसके ऊपर लेटस यूज़ करा गया है एज अ बन। तो चलो ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। टेस्ट की मैं बात करूं तो ये जो ग्रिल चिकन है बहुत ज़्यादा जूसी और एकदम फ्रेश प्रिपेयर किया गया है, इनफैक्ट लेटस भी जो है वो फ्रेश है और कड़वी नहीं है लेटस, जो कि बेस्ट पार्ट है, आजकल लेटस बहुत ज़्यादा कड़वी आ रही है। लेकिन मैं इसको बर्गर नहीं बोलूँगी, इट इज़ मोर और लेस लाइक अ सैलड, इसमें आप मस्टर्ड डलवा सकते हो इंस्टेड ऑफ एडिंग मेयो, ताकि आपका कैलोरी काउंट थोड़ा कम हो जाए और अपनी मन की संतुष्टि के लिए आप ये बात बोल सकते हो आज मैं बर्गर खा के आई हूँ, जबकि एक्चुअल में आप सैलड खा रहे हो। सो
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो यू गाइस. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताना कि आउट ऑफ एवरीथिंग आपका फेवरेट वाला बर्गर कौन सा था, और अगर आप यहाँ आओगे तो कौन से वाला बर्गर ऑर्डर करोगे. तो अगर आपको पसंद आ गया है ये वीडियो, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टेंट. अरे तू मज ले यार, बहुत सारे ऑप्शन है. क्या हो गया? ऑप्शन है ये अपने आप में बहुत. ये जो है वो है लेटस एंड ग्रीन ग्रीन चिली क्यों बोल रही हूँ मैं? तो हमेशा मुझे ये बात बोलते हैं कि हाँ तुम चिकन ट्राई करते हो, वेजिटेरियन खाना तो ट्राई करो.